नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। ट्रिपल सी कोर्स आखिर होता क्या है, ट्रिपल सी कोर्स किस लिए किया जाता है, यह कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, ट्रिपल सी कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और इस कोर्स में क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, जैसे सीखने के बाद आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का युग एक डिजिटल युग बन चुका है, जिसमें काफी सारी आधुनिकताएं आ गई है। छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े काम आपके कंप्यूटर में किए जाते हैं। कंप्यूटर में काम को आप काफी आसानी से और जल्दी कर पाते हैं, इसीलिए आज के समय में लगभग हर इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए डिजिटल काम को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर सीखना होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, तब जाकर आप उन कामों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर ट्रिपल सी है क्या, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल सी या फिर CCC कहा जाता है। दोस्तों ट्रिपल सी कोर्स में आपको कंप्यूटर से जुड़ी बेसिक जानकारी के साथ थ्योरी जानकारी भी दी जाती है। इसमें आपको कंप्यूटर को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी यूजर आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में काम कर सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट भेजना हो, ईमेल बनाना हो, ईमेल भेजना हो या फिर किसी भी तरह का और डिजिटल काम करना हो। दोस्तों अब सवाल आता है कि ट्रिपल सी कोर्स कौन कर सकता है, या फिर ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए आपके पास कोई ऐसे मिनिमम योग्यता होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बस आप में कंप्यूटर सीखने की ललक होनी चाहिए और आप स्कूल पास होने चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर की शब्दावली, उसमें लिखे वर्ड और उसके फंक्शन को समझ सकें। दोस्तों ट्रिपल सी का कोर्स आप इंटरनेट में ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं या फिर किसी ऑफलाइन क्लास में भी जाकर कर सकते हैं। तो यह कोर्स टोटल 90 घंटे का होता है, जिसमें थ्योरी 25 घंटा, ट्यूटोरियल 5 घंटा और बाकी बचे 50 घंटे में इससे जुड़ी प्रैक्टिकल क्लासेस कराई जाती है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि यह कोर्स कितना जल्दी कंप्लीट किया जाना चाहिए, यह संस्था और विद्यार्थी पर भी निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से, कितने अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट में इसे 1 से 2 महीने लगते हैं, वह कुछ इंस्टीट्यूट इसे 1 महीने में भी इस कोर्स को करा देते हैं। ट्रिपल सी के इस कंप्यूटर कोर्स में आपको कंप्यूटर को बेसिक से सिखाना शुरू किया जाता है, जिसमें आपको कई सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट का परिचय, जीमेल बनाना व जीमेल की सर्विसेस, सोशल नेटवर्क, फाइनेंशियल टूल एप्लीकेशन, कंप्यूटर स्किल और कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये सारी चीजों को आपको ट्रिपल सी कोर्स के अंदर में काफी बारीकी से सिखाया जाता है, जिसमें आपको थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस अटेंड करने होते हैं। दोस्तों ट्रिपल सी चूंकि एक कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स होने की वजह से इसकी फीस भी काफी ज्यादा होगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स की फीस निर्भर करती है उस इंस्टीट्यूट पर जहां से आप यह कोर्स करते हैं, वह इंस्टीट्यूट प्राइवेट है या सरकारी, इसके हिसाब से आपको वहां पे फीस पे करना पड़ता है। और आमतौर पर ट्रिपल सी कोर्स को करने के लिए लगभग आपको 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का फीस देना पड़ सकता है। दोस्तों ट्रिपल सी एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कहा जा सकता है, इसीलिए यह कोर्स लगभग सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आज के समय में काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली चीज बन चुकी है। ट्रिपल सी या बेसिक कंप्यूटर आप किसी भी एज में कर सकते हैं, अगर आप 8वीं क्लास में है, 10वीं में है, 12वीं में है या फिर आप कॉलेज जाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, यह कोर्स आप जरूर करिए। ट्रिपल सी के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिस वर्क या अपने जॉब या बिजनेस में करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, स्प्रेडशीट, विंडोज, टाइपिंग, ईमेल, जीमेल सर्विसेस, फाइनेंशियल ट्यूटोरियल इत्यादि। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रिपल सी कोर्स को करने का फायदा क्या है, ट्रिपल सी कोर्स को करने के बाद आप किन किन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ट्रिपल सी कोर्स करने का सबसे बड़ा फायदा है इसका सर्टिफिकेट। जब भी आप ट्रिपल सी कोर्स कंप्लीट करते हैं, तब आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो यह सर्टिफाइड करता है कि आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है। और इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन करते समय भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब न करकर बिजनेस करना चाहें तो आप CSC या CSP सेंटर भी अपना खोल सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर देखा गया है कि ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद युवा या तो ग्राहक सेवा केंद्र चला सकता है या फिर वो CSC सेंटर खोल सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं।
इसको खोलने के बाद आपको बैंकिंग से जुड़े कार्य करने की अथॉरिटी मिल जाती है और बैंकिंग ग्राहकों के साथ आप वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र जो होती है वो किसी भी बैंक की उप मुख्य शाखा होती है और मुख्य शाखा में ज्यादा भीड़ ना हो इसी के लिए ग्राहक सेवा केंद्र बनाए जाते हैं। तो आप यह काम CCC कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। दूसरा आता है CSC सेंटर। CSC सेंटर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। CCC कोर्स करने के बाद अगर आप एक CSC सेंटर चलाते हैं तो आप सरकार द्वारा मांगे गए सभी प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, लेबर कार्ड और भी बहुत सारे प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वहीं के अलावा आपको और भी कई सारे काम मिल सकते हैं जिसमें ज्यादातर ऑनलाइन से जुड़ी हुई सुविधाएं भी आपको मिल सकती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, इन सभी के कामों को भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस CCC वीडियो में जानकारी केवल इतनी ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।